चुनाव के लिए टीएमसी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, शाम करीब 7 बजे ऐलान। घोषणा पत्र को जारी करने के बाद व्हीलचेयर से ममता बनर्जी करेंगी चुनाव प्रचार, कल पुरुलिया से शुरू करेंगी अभियान। 15 मार्च को पुरुलिया और बांकुरा में ममता का कार्यक्रम, 17 मार्च को झारग्राम में चुनाव प्रचार। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी की माथापच्ची, सीईसी की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता। बैठक में बंगाल के दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों का फैसला, सभी 5 राज्यों के लिए आज बीजेपी जारी करेगी अपनी लिस्ट। ममता बनर्जी की चोट पर मची सियासत के बीच आई चुनाव आयोग की सौंपी गई घटना की रिपोर्ट, रिपोर्ट में हमले से इनकार। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में हमले के सबूत न मिलने का जिक्र, घटना को बताया गया हादसा। केंद्रीय चुनाव आयोग आज कर सकता है पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर फैसला। बीजेपी ने फिर ममता के हमले के दावे पर उठाए सवाल, व्हीलचेयर पर ममता के चुनाव प्रचार को लेकर भी निशाना। जारी किया गया एक्सरे कि यहाँ से हड्डी टूट गई, आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। 2 दिन के बंगाल और असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज खड़गपुर में रोड शो, कल झारग्राम और बांकुरा में करेंगे रैली। असम दौरे पर आज तिनसुकिया और शिवसागर में शाह की रैली, 15 मार्च को गुवाहाटी में टाउन हॉल में कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई का समन, चिटफंड घोटाले में 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में पेश होने को कहा। बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने पोंजी स्कैम मामले में ईडी का समन, 19 मार्च को पेशी। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के पर्यवेक्षक ने लगाया पिटाई का आरोप, टीएमसी के खिलाफ शिकायत। पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान आंदोलन की एंट्री, कल नंदीग्राम में टिकैत ने की सभा। बीजेपी के खिलाफ टिकैत का हल्ला बोल, बोले बंगाल में खेला हो बे। होने वाला है देश में क्या खेला हुए? वो देखना है, वो बताएंगे हम क्या। बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे किसान संगठन, टिकैत का आंदोलन के रणनीतिकरण से इनकार। किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंची मेधा पाटेकर, ममता की चोट पर जताया दुख। केरल में बीजेपी 115 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगी पार्टी को 25 सीटें। तमिलनाडु में 20 सीटों पर बीजेपी का दाव, सभी सीटें जीतने का दावा। तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस के 21 उम्मीदवारों की सूची जारी, कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव के लिए भी विजय कुमार के नाम का ऐलान। लखनऊ में नाराज शिया समुदाय ने फूंका वसीम रिजवी का पुतला, जमकर हुई नारेबाजी। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, रोहिंग्या का समर्थन करने पर फूटा गुस्सा। शोपियां में टॉप जैश कमांडर के घिरने की बात, बीती रात सुरक्षा बलों ने शुरू किया अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की, श्रीनगर और बाहरी इलाकों में सक्रिय होने का दावा। लखनऊ में आईपीएस प्राची सिंह पर आरोप लगा कि सुसाइड करने वाले विशाल सैनी के परिजनों ने लगाया नया आरोप, पुलिस बना रही थी दबाव। केंद्र सरकार के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का मोर्चा, गाइड नीति के खिलाफ आंदोलन की बनाई रणनीति। बंगाल दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सत्ता में लौटे तो यहां भी लागू करेंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून। इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव में डीएमके नेता दयानिधि मारन का कमल हासन पर बड़ा आरोप, बताया बीजेपी की बी टीम। बिहार में शराबबंदी को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, मंत्री के घर शराब बरामदगी के आरोपों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई की नौबत। भू राजस्व मंत्री रामसुरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने राजभवन तक निकाला मार्च, कहा विधानसभा में बोलने नहीं देती सरकार। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर में मंत्री रामसुरत की जमीन पर चलने वाले स्कूल में मिली थी शराब, शिकायत करने वाले पर ही हुई कार्रवाई। तेजस्वी यादव के आरोपों पर मंत्री रामसुरत राय की सफाई, कहा मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, जहर नहीं बोलता। यूपी के मुरादाबाद में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस, अखिलेश की मौजूदगी में सुरक्षाकर्मी और पत्रकारों के बीच हुई थी धक्का मुक्की। अखिलेश यादव पर केस दर्ज होने के बाद पत्रकारों के खिलाफ भी एफआईआर, मुरादाबाद के एसपी अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने दर्ज कराया केस। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले सत्ता में आए तो तमाम फेक एनकाउंटर और हिरासत में मौत के मामलों की कराएंगे जांच। यूपी के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान, कहा योगी राज में ही ताजमहल का नाम बदलकर राजमहल किया जाएगा।
झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की नो कार डे अभियान की शुरुआत, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा, नगर आयुक्त मुकेश कुमार भी मौजूद साथ में। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फिर विवादित बयान, आंदोलनकारी किसानों पर साधा निशाना। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर राकेश टिकैत, किसानों के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दिल्ली के नजफगढ़ में बर्थडे पार्टी के दौरान डीजे के गाने को लेकर विवाद, गोलीबारी में एक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक मकान में संदिग्ध हालत में लगी आग, झुलसकर बुजुर्ग की मौत। दिल्ली के जफराबाद में दूध कारोबारी पर फायरिंग, हमलावरों का सुराग नहीं। गुना में दो बहनों ने पिता पर लगाया हैवानियत का संगीन आरोप, एफआईआर दर्ज। लखनऊ के मोहनलालगंज में युवक की हुई हत्या में पुलिस का दावा, मंगेतर का था हाथ, कत्ल के 6 आरोपी गिरफ्तार। अमरावती में कुएं में गिरा 4 साल का बच्चा और उसके पिता, दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बचाई जान। फाजिल्का में रेलवे ने अवैध मकानों पर चलाया बुलडोजर, 2 महीने नोटिस देने के बाद भी नहीं हुए थे खाली। बारामती से अगवा बच्चा 12 घंटे के अंदर रिहा, 5 करोड़ मांगी गई थी फिरौती, 2 आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, मौके से बरामद सामान नष्ट किए गए। सुकमा में पागल कुत्ते का आतंक, 5 लोगों पर हमला कर किया जख्मी। पटना के पीर बहुन में कारोबारी के घर से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गोरखपुर में पुलिस ने लूटपाट के 2 आरोपियों को पकड़ा, 28 फरवरी को छीनी थी चेन। ऊना में छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, छात्राओं की शिकायत पर प्रिंसिपल ने की थी डीएम से शिकायत। बदायूं में यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का फूटा गुस्सा, फरियाद लेकर पहुंची महिला को जमकर डांटा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुश्किल, महिला विधायक से ट्रैक्टर खिंचवाने के मामले में राज्य महिला आयोग ने थमा नोटिस। गाजियाबाद के साहिबाबाद में हिंडन नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूबे, 1 शख्स ने 2 की बचाई जान, अन्य का सुराग नहीं। एंजीलिया के बाहर जिलेटिन मिलने के मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, एनआईए ने आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को पकड़ा। वाजे की गिरफ्तारी से पहले 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल जवाब, उस पर लगा है मनसुख हिरेन की हत्या का आरोप। सचिन वाजे पर जालसाजी करने, विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही बरतने का भी इल्जाम, एनआईए कर रही है जांच। अंबानी केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ में बंद आईएम आतंकी से करीब 7 घंटे तक की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक गोलमोल जवाब दे रहा था दहशतगर्द। तिहाड़ में बंद आतंकी तहसीन ने मोबाइल इस्तेमाल की बात कबूल की, स्पेशल सेल सोमवार को भी करेगी जांच। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मामले 25,000 के पार। महाराष्ट्र में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में 15,602 नए केस सामने आए, 88 की मौत। सिर्फ मुंबई में 1,709 नए केस दर्ज, 5 लोगों ने गंवाई जान। पुणे में फिलहाल सबसे ज्यादा 24,025 एक्टिव मामले, कल दर्ज किए गए 3,066 केस। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नगर पालिका और पुलिस को आदेश, नियम नहीं मानने वाले होटल और मॉल पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में लगातार 3 दिन कोरोना के 400 से ज्यादा केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 2,200 के पार। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, योग्य लोग जल्द लगवाएं कोरोना वैक्सीन। गुजरात के सूरत में अब तक 86 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, स्कूलों में टेस्टिंग कर रही है 25 से ज्यादा टीमें। भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर जताई चिंता, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सख्ती से लागू किया जा रहा आंशिक लॉकडाउन, चौराहों पर तैनात की गई पुलिस। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के खोज में लगी आग, डोईवाला के जंगल के पास धू कर जला डिब्बा, कोई हताहत नहीं। हरियाणा के रोहतक में 7वीं क्लास की छात्रा के अपहरण के 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 अब भी फरार। बिहार के बेगूसराय में पति ने महिला की पीट पीट कर हत्या की, मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। यूपी के अलीगढ़ में 24 पेटी अवैध शराब जब्त, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में शादी के समारोह में
विवाद में चली गोली, लड़की और दो चचेरे भाई घायल। अलीगढ़ में पुलिस ने रेप के फर्जी केस दर्ज करवाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया, महिला को लालच देकर दर्ज करवाया गया था झूठा मामला। कानपुर के चकेरी इलाके में पुलिस ने छह लुटेरों को गिरफ्तार किया, कई वारदातों में शामिल। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में तीन स्नैचर पकड़े गए, पुलिस ने 14 मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद किया। अयोध्या के एक मंदिर में साधु ने की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के सीकर में पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में एक युवक की मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा में डॉक्टर की सरेरा पिटाई, वीडियो बनाती रही मौके पर मौजूद पुलिस। इंदौर में युवक के जलने का वीडियो वायरल, युवक की नहीं हो सकी पहचान, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जालौर में आबकारी इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने कार्रवाई की। मेरठ में 9वीं क्लास की छात्रा के लापता होने के बाद परिवार वालों ने थाने में दर्ज करवाया मामला, पुलिस ने लड़की को बरामद किया। अंबाला की पाटली नहर में 5 बम मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किए। 28 जून से होगी जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा, 22 अगस्त को सावन पूर्णिमा तक भक्त कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। वाराणसी पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ में मौजूद। वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गंगा आरती में भी हुए शामिल, 45 मिनट तक घाट पर रहे मौजूद। अंतिम दौर में पहुंचा अयोध्या में राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम, अप्रैल के पहले हफ्ते से नींव की भराई का काम शुरू होने का अनुमान। उत्तराखंड में रानीखेत के चबडिया में भारत उज्बेकिस्तान की सेना का साझा युद्धाभ्यास जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉकडाउन के बीच फंसी छात्रों को पुलिस वालों ने पहुंचाया परीक्षा केंद्र, गृहमंत्री अनिल देशमुख ने तारीफ की। जामताड़ा में बैलगाड़ी पर सवार होकर पुल का शिलान्यास करने पहुंचे विधायक, तेल की महंगाई का भी किया विरोध। 87 साल बाद सहरसा से चलकर कोशी महासेतु होते हुए दरभंगा पहुंची जीएम स्पेशल ट्रेन, लोगों ने जताई खुशी। दौसा में दबंगों से परेशान परिवार पहुंचा थाने, अपनी दो बेटियों की शादी की रस्म भी वहीं पूरी की, किरोड़ीलाल मीना ने परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।